महिलाओं ने देश के सभी क्षेत्रों में योगदान दिया है, विज्ञान का क्षेत्र कोई अपवाद नहीं। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय में चल रहे 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस महाएक्सपो में कई क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी देने वाले स्टॉल है, जैसे कि विज्ञान, तंत्र ज्ञान, खेती, मेडिकल साइंस और आज इसी श्रृंखला में पायनियर ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स ऑफ इंडिया के डॉक्टर शोभा फड़के द्वारा जेनेटिक डिसीज, सरोगेसी, रेयर डिसीज जैसे कई मुद्दों पर जानकारी साझा की गई। क्योंकि ये बीमारियां जैसे 40,000 में 1,00,000 में इतनी अनकॉमन होती है, तो इस वजह से बहुत सी कंपनियों ने जब नई दवाइयां शुरू करी तो उन्होंने इंडिया में उनके और बाकी भी डेवलपिंग कंट्रीज में उनके ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स थे, उसके तहत एक कॉशर डिसीज है जिसके लिए हमारे यहाँ के भी कई बच्चे ऑल ओवर इंडिया 100 बच्चों को वो फ्री ट्रीटमेंट देते हैं और वो बिल्कुल 6 महीने से साल में एकदम ठीक हो जाते हैं, नहीं तो उनका पेट इतना बड़ा होता है, हीमोग्लोबिन 4 हो जाता है। तो अब ये है कि सरकार ने फिर अभी एक बीमारियों को सबको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, तो जिनकी ट्रीटमेंट 10 लाख 20 लाख से कम होती है जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, उनको सबको एक साथ में ट्रीटमेंट दी जाएगी। और दूसरा ग्रुप है डिसऑर्डर्स की जिसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लगेगी, जैसे कि स्पेशल डाइट्स होते हैं तो वो डाइट्स, और एक टायरोसिनेमिया नाम की बीमारी है, तो कई बीमारियों की कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट साल में 2 लाख 10 लाख ऐसे भी हो तो उनके लिए भी सरकार ट्रीटमेंट देगी। और उसके लिए 8 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस इन मेडिकल जेनेटिक्स भारत में उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं, मतलब जो लोग ऑलरेडी जेनेटिक्स का काम कर रहे थे उसको उन्होंने अप्रूवल दिया, जिसमें हमारा भी एक सेंटर है। और तीसरी बात है, जो ऐसे करोड़ों रुपए की ट्रीटमेंट है उनके लिए गवर्नमेंट ने क्राउड फंडिंग के लिए पोर्टल किया है, तो जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने एक बार सब PSUs को मीटिंग लेके उनसे बात करी कि वहाँ पे हम लोग अपने जो पेशेंट्स हैं उनकी जानकारी डाल रहे हैं, और उसमें कई बार इस तरह से कोशिश की जा रही है कि सरकार क्राउड फंडिंग के द्वारा करोड़ों रुपए करे। अभी तक उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं आया है, लेकिन अभी नया चेंज हुआ है कि जिनकी 50 लाख तक की ट्रीटमेंट में उनको फ़ायदा हो जाएगा उन सबको अभी हमको अप्लीकेशंस डालने के लिए बताया है, और इसी महीने में ये सब अप्लीकेशंस की जो प्रोसेस शुरू हो रही है और उसके तहत अभी मार्च तक कई पेशेंट्स को 50 लाख तक का ट्रीटमेंट सौदा के उनके 1-2 साल के लिए। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DST ICMR उन्होंने बहुत रिसर्च प्रपोजल्स को एनकरेज किया है कि जो लोग ट्रीटमेंट्स में उसी टाइप की ट्रीटमेंट इंडिया में डेवलप कर पाए, और उनके लिए जो DCGI है ड्रग अप्रूवल देता है उनके सबके और फार्मास्यूटिकल कंपनी और साइंटिस्ट के कई बार मीटिंग्स हुए हैं कि इंडिया में इस टाइप के ट्रीटमेंट्स डेवलप करने के लिए रिसर्च को लिए बढ़ावा दिया जाए। ऐसे अलग अलग तरीके से जो है सरकार और पॉलिसी मेकर्स उनको ये अंदाज़ा आ गया है कि इस टाइप की जो रेयर बीमारियां हैं उनके लिए भी कुछ करना है, तो ये वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो अभी हमको लगता है छोटे छोटे हैं शुरू के कदम, लेकिन ये काफ़ी आगे ले जाएंगे ऐसे हमें लगता है।